Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी नई वीडियो का बहुत ही इंतज़ार करेंगे। तो चलिए साथ ही हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें एंड कमेंट करें। तो आज हम आपके लिए बनाना चाह रहे हैं बहुत ईजी एंड क्विक सा स्मोकी आलू कीमा, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। आई होप यू रियली लाइक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हमें कीमा ले लेना है, तो कीमा हमने लिया है एक पाव। अच्छा, इसलिए हमने एक पाव लिया क्योंकि ये मैं 2% के हिसाब से बना रही हूँ, 2% के लिए मीट बना रही हूँ। ठीक है, ये हमने आलू काटे हुए हैं इस तरह, इतने इसकी जो है मोटाई है इस तरह के हमने आलू काट लिए हैं। ये हमारे 4 छोटे साइज के आलू हैं, इनको हमने डिप किया हुआ पानी में। ये 1 टेबलस्पून लहसुन है, 1 टेबलस्पून अदरक है हमने, तो ये यूँ काटा हुआ है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, मगर स्मोकी है तो आप इसी तरह काटे रहते हैं। ये धनिया लिया है 2 टेबलस्पून, और साथ ही हमने 3 छोटे साइज की हरी मिर्चें ली हैं जिनको हमने इससे काट लिया। ये हमने जो है कोयले का साइज, इतने साइज से हमने कोयला ले लिया है, हम इसको जो है ना सही से बर्न करेंगे। ठीक है, तो आज की रेसिपी की जो हमारे पास स्पाइसेस हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। ये हमारा 1 टीस्पून हमने एक लिया है, 1 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्ची ली है, 1 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1/2 टीस्पून ये हमारे पास है, और ये हमने हल्दी ले ली है 1/2 टीस्पून, और ये हमारे पास काली मिर्ची हैं, काली मिर्ची भी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला भी 1/2 टीस्पून, या मेरा टीस्पून देख लें, भर के नहीं लेना, लेवल करके लेना है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन, देखिए हमने ले लिया है चिकन, नॉन स्टिक देखिए हमने लिया है, इसको अच्छे से हम गर्म करेंगे और उस पर हम हस्बे ज़रूरत ऑयल डालेंगे, तो हमने इसमें ऑयल डालना है हस्बे ज़रूरत, मीडियम फ्लेम में इसको हम अच्छे से हीटेड कर लेंगे ऑयल को। तो गाइस हमारा तेल गर्म हो गया है, और अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक एंड जिंजर की जो हमने जुलियन काटी हुई थी वो डाल देंगे। साथ ही हमने जो है अपना कोयला भी रख दिया है ताकि वो भी अच्छे से बर्न हो जाए, अच्छे से जब लाल लाल होता था ना फिर हमने रख दिया है मौका में। ठीक है, और यहाँ हमारा जो ये लहसुन अदरक की जुलियन करी है, तो अच्छे से हम जो है सारी सका देंगे ताकि हमारे सारे में खुशबू भी आए। अच्छा, और हम झटपट बना रहे हैं तो इसलिए हमारी जो है ये रेसिपी जल्दी जल्दी बन जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा और कब बन गई और आपने कब खा भी ली। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मुझे ना उम्मीद ना दीजिएगा। तो ये देखिए अच्छे से गोल्डन हो गया है, और अब हम इसमें कीमा डाल देंगे। तो ये देखिए हमने इसमें अभी कीमा डाल दिया है, आपने बड़ी ही केयरफुली इसको करना है क्योंकि इसमें पानी सा होता है ना, तो ये ऊपर छिंक के आने के चांसेस होते हैं। तो ये देखें हमने लो फ्लेम पे किया है, इसको डाल दिया, अभी देखें रेड से ना थोड़ा वाइट वाइट सा हो रहा है, उसका मतलब ये पक रहा है। तो इसको हम हिला लेंगे अच्छे से, इसका पानी उड़ा देंगे, देखें शुर शुर की आवाज़ भी ख़त्म हो गई, क्योंकि जो उसने शोर मचाया था वो तो मज़ा आ लिया ना इसलिए। तो अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, और अब हम इसका वेट करेंगे इसका पानी उड़ जाए अच्छे से। ठीक है, और ध्यान रखिए कि ये मैं 2% के लिए मीट बना रही हूँ, ये जो मैं बना रही हूँ 2% के लिए ऑनली। अगर आपने इंस्टेंट बनाना है, ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है, तो आप फिर जो मसाले मैंने आपको बताए थे ना वो आप डबल कर लें। तो चलें अब आप देख लें और हम इसको भून लेते हैं। देखें अब हमने इसको तेल यहाँ पे रखा हुआ है, बबल्स बन रहे हैं, जो इसमें पानी होगा ना वो उड़ जाएगा। ठीक है, और अब हम इसमें ऐसा करते हैं कि हम इसमें आलू भी डाल देते हैं। ठीक है, आलू हम डाल रहे हैं, जिस पानी में हमने आलू को भिगाया था तो हमको पानी फेंक के अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। हाई फ्लेम ही रखनी है अभी तक आपने। ठीक है, और अब हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे। और इसको अब मिक्स कर लेंगे गोल गोल। ये इतने कोई मज़े की बनने वाली है ना कि आप मुझे भी ज्वाइन देंगे, क्योंकि हर बंदा आजकल चाहता है कि इजी, बस भूख लग रही होती है ना कि वो ऐसी चीज़ हो जो फटाफट से बन जाए और खा ली जाए। तो ये वही रेसिपी है तनाव जिसकी से आप तलाश कर रहे हैं। तो देखें इसको अच्छे से हमें भून लेना है, ऑयल इसमें अगर आप और डालना चाहते हैं तो डाल लें एज पर कंडीशन, अगर आपको ज़रूरत है तो इसको हम अच्छे से कर लेते हैं फ्राई, और आप वेट करेंगे।
ये देखें अच्छे से पक रहा है। तो गाइस अब हम इसमें ना थोड़ा सा 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे इसमें जो आलू डाले हैं वो गल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से अगर पकने लग जाए फिर उसका हम इसको लो फ्लेम पे रख के और ढक देंगे जब तक आलू ना उबले। ये देखें अब हमारा ना अच्छे से आलू की मांस की आलू की जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो है इसको जो है हम साइड पे कर लेंगे ताकि बीच में हम इसमें जो है वो कोयला रखेंगे। फिर से आपने इसको सेंटर में कर लिया है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें हम यूँ फॉइल शीट रखेंगे और साथ ही इसमें हम कोयला डाल देंगे इस तरीके से। और इसमें हम थोड़ा सा जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल और इसको हम अच्छा से ढक देंगे। तो ये अच्छे से देखें इसमें स्मोक हो जाएगी तो फिर हमारा ये तैयार। आपकी मर्जी आप जितना देर रखना चाहें, मैं 3-4 मिनट्स रखें। तो ये देखें गाइस ये अभी भी स्मोक है मगर हमने थोड़ी देर ही रखनी है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको हम दोबारा उसी तरह मिक्स कर देंगे। फ्लेम ऑफ है, ठीक है, फ्लेम ऑन नहीं रखनी याद से। और अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए जो हमने पुदीना सॉरी धनिया काटा था वो ऊपर गार्निश कर देंगे। और अब हम इसको सर्व कर देंगे। सो गाइस तो ये आप देख रहे हैं कितने ही खूबसूरत सा और मज़ेदार किस्म का हमारा स्मोकी आलू कीमा तैयार है। आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आज की वीडियो के साथ हम इख्तिताम करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक एंड कमेंट तो साथ साथ हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, हमें दुआओं में याद रखिएगा और अगली वीडियो का फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।